भूमिका इट्स नाइन्थ ए क्लास, भूमिका इट्स नाइन्थ ए क्लास। मानुषा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वंशिका समझ आया? कहते अभी भी नहीं समझ आया। आ गया? देन कब तक? अगले साल तक आ जाएगी? एक्चुअली इट डिपेंड अपॉन अ कंडीशन, सर्कमस्टांशियल, सर्कमस्टांशियल है। वी टॉकिंग अबाउट द लायबिलिटी एंड द एसेट्स। पॉपुलेशन इज अ लायबिलिटी एज वेल एज द एसेट। वंशिका कैन यू गिव मी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? यू आर द एसेट फॉर योर सोसाइटी और द लायबिलिटी। वी डिस्कस दिस थिंग, यस, एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। यस, यू आर अ लायबिलिटी, रियली। आर यू वंशिका? क्वेश्चन टू वंशिका। यस वंशिका, यू आर अ लायबिलिटी। एसेट मीन्स दैट पर्टिकुलर रिसोर्स ऑफ इकोनॉमी और अ कंट्री विच इज प्रोडक्टिव फॉर द कंट्री, जिससे कुछ फेवर मिले। पर आप कह रहे हैं बर्डन हुआ। लायबिलिटी मीन्स एज अ बर्डन, बिकॉज ऑलरेडी दिस टर्म हैज डिस्कस सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इन दिस चैप्टर। 3 days, पीपल एज अ रिसोर्स। आपने क्लास नहीं लगाई, क्यों? रीजन? लगाई थी तो फिर आपको पता होगा। अगर क्लास लगाई थी तो आपको पता होगा, फिर आप ये नहीं कहते कि यू आर द लायबिलिटी, यू आर द एसेट ऑफ योर फैमिली, ऑफ योर सोसाइटी, ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर कंट्री, बट यू कंसिडर योर सेल्फ एज अ लायबिलिटी। हाँ जी, अ पर्सन विच हैज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इकॉनमी, बेगर्स, दे आर नीदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इकॉनमी बाय द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दे आर द लाइबिलिटी, बर्डन है। उसका इंपैक्ट क्या होता है? पर कैपिटल इनकम लो होती है, ठीक है ना। जो बंदा काम नहीं कर रहा है वो एवरेज इनकम का पार्ट है, जो काम कर रहा है, कमाई कर रहा है, इनकम अर्न कर रहा है, वो भी पर कैपिटल का इनकम है, बट इट हैज कॉन्ट्रीब्यूट। पर एक पॉपुलेशन ऐसी जो कि कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करी। व्हाट इज योर नेम? नित्या। ओके, क्लियर वंशिका? सेट प्रॉपरली, तो लेट्स कंटिन्यू। टेल देयर एनी डाउट्स? यस, टैक्स पे ये हमारी कंट्री में होता है। अच्छा, वो जो बर्डन है वो एसेट्स बन सकता है। फिर तो हर कोई होगा वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सामान को प्रोड्यूस करने में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। दे विल ट्राई टू वर्क एज अ बेगर, बेगिंग द मटेरियल्स। दिस इज एज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इकॉनमी। अगर किसी इकॉनमी में आप टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द बेगर्स, द इकॉनमी हैज डिपेंडेंट ऑन सच रिसोर्सेज, हाउ कैन द सच कंट्री इट विल बी एज अ सर्वाइव। हाँ जी, इमेज खराब है ना, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट शो होगा। ऐसी कंट्रीज में, पूरे कंट्रीज में टूरिज्म नहीं होता, फॉरनर्स नहीं जाते, ठीक है। टूरिज्म नहीं होगा, करेंसी नहीं आएगी, उस कंट्री का जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी द लो ग्रेडेड। क्यों होगा? गवर्नमेंट हैज नॉट एम्फसाइजिंग ओवर प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के ऊपर कोई एम्फसिस ही नहीं है, देन इट विल साइमल्टेनियसली इंपैक्ट ऑन अ हाँ बोलते रहो। आई डोंट नो अबाउट इट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। व्हाट इंडिया? इंडिया इज बेसिकली एम्फसाइजिंग ओवर द ग्रोथ ऑफ देयर पीपल, growth of the human resource. If the human resource, it will be developed, then simultaneously the other number of resources will develop. अगर लोगों की capabilities, efficiencies improve की जाएं, ठीक है ना, उसकी योग्यता, उसकी proficiency, professional degrees, या उसकी proficiency को improve किया जाए, then the person, it will be contributing in economy as their sent person. और कोई healthy नहीं है, how can the person will contribute in economy? अब आप कुछ कह सकते हैं योग, कुछ कह रहे थे आप, अभी कह दो, चलो वही दोबारा कह दो, कह दो, नो प्रॉब्लम, अगेन से इट अगेन। जो भी कहना था, कुछ नहीं कहना था, यू कैन यूज हियर योर राइट टू एक्सप्रेशन। हियर वी आर नॉट ट्राई टू वायलेट योर राइट टू एक्सप्रेशन, यू कैन यूज इट। योग,
यस दिरेन सर द पीपल हु आर रिटायर्ड एंड 60 प्लस दे हैव वर्कड बिफोर सो दे कांट बी कॉल्ड लायबिलिटी सो व्हाट शुड वी से टू देम दे आर द एसेट्स बिकॉज़ दे ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड इन इकॉनमी ये कह रहे हैं एक ऐसा एज ग्रुप है इंडिया के अंदर जो 60 प्लस है जो रिटायर हो चुके हैं दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इकॉनमी बाय द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है बट दे कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इकॉनमी थ्रू देयर एक्सपीरियंस दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस विद द वर्किंग क्लास दैट वर्किंग क्लास विच नाउ प्रेजेंटली हैज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इकॉनमी जो 14 से 59 एज ग्रुप का बंदा है उसको एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है उसके बेस पे प्रोडक्शन कंटिन्यू चल रही है अगर आप कहो कि जो 60 प्लस है जो रिटायर सेट प्रॉपरली वंश का इफ अ पर्सन अबव ऑफ द 60 इयर्स इज द लायबिलिटी वो बर्डन है कंट्री के ऊपर ना फिर ऐसे लाइफ सिक्योरिटी नहीं रहेगी नोबडी ट्राई टू विश टू लिव इन इंडिया अगर कह दिया जाए 60 अगर 60 प्लस हो गए आप बर्डन हो जाओगे फिर इंडिया में कोई भी नहीं रहेगा ठीक है ना दे आर ऑल्सो द कॉन्ट्रीब्यूट दे ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूट इन इकॉनमी यस हाँ वो टैक्सेस दे रहे हैं वो एसेट्स ही हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकॉनमी के अंदर बाय द टैक्सेस टैक्स पेयर्स हैं वो आज से नहीं पीछे 50 60 70 साल से वो टैक्स पे कर रहे हैं तो दे आर आल्सो एज द एसेट्स सभी पे करते हैं जिसकी 250 से ऊपर है 250,000 से एनुअल इनकम ऊपर है वो टैक्स पेयर हैं सारे के सारे चलें आगे और कोई डाउट यहां तक नहीं उसके लिए नहीं है कंपल्शन नहीं है ना आपकी 250,000 एज एनुअल इनकम है मींस आपकी मंथली इनकम इट विल बी एज 15,000 मंथली इनकम है आपकी 15 नहीं आपकी मंथली इनकम 20,000 है या 25,000 है मंथली इनकम फिर आप टैक्स पेयर हो गए क्योंकि एनुअल इनकम वो 250,000 क्रॉस कर जाएगी ठीक है ना टैक्स इट हैज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल इनकम आई डोंट नो अबाउट इट कैन बी प्रोसीड ठीक है ना मैं यहाँ टैक्स की सारी स्लैब थोड़ा बताऊंगा कौन सा बंदा कितना देगा टैक्स उसके लिए लास्ट ईयर बजट आया हुआ है बजट में उन्होंने स्लैब्स ना रखी है 5 लाख तक 5% दे रहे हैं 5 to 10 lakhs कितना दे रहे हैं वहां से निकाल लेना हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स ग्रोथ ऑफ योर सेल्फ हाउ द कंट्री गवर्नमेंट हैज कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स वंशिका क्लियर इज दैट क्लियर वाई वी कॉल ह्यूमन इज अ रिसोर्स How? How? Accept this. How a person it contributes in economy. Because all are not the taxpayers, not paying their income tax. There is a large number of such families are middle class families are there. Which are also still exist in economy, but do not pay the tax. Yes, Divyanshi? Yes, sir. They are working in a country like as a government jobs. Service sector ke andar hai. Chalo. But how they contribute? By production of goods and services. Theek hai na? Jab goods ki production hoti hai, saman ban raha hai, a farmer which has contributes in a form of a production of a crops, it also contributes in economy. वो टैक्स पेयर नहीं है पर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है क्यों उसका जो सामान है इट हैज यूज इन अदर सेक्टर्स अदर एक्टिविटीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर गुड्स ऑन सब बेसिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट हैज क्लासिफाइड एक्टिविटीज इनटू द टू कैटेगरीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज देयर आर अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज व्हिच आर डन बाय द पीपल व्हिच आर डन बाय द पीपल फॉर देयर सर्वाइवल सच एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज economic activities and non-economic activities. So those activities which helps to generate income are the economic activities. They are known as economic activity. ऐसा कोई भी काम जिससे income generate हो रही है. Farmer, वो income, government job के अंदर service sector में वो भी income generate कर रहा है. ठीक है ना? Any of activity, carpenter, economic activity है. So any of activity which is associated with the generation of income is a economic activity. Clear? There are three economic activities are there. प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी प्राइमरी एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शरी
tertiary activities. Let's just start from the first, primary activities. Primary activities, they are also known as a basic activities. Basic, why? Because such activities, they produce such materials which supports economy. जिसके ऊपर इकोनॉमी बेस करती है, डिपेंड करती है, इससे इनको बेसिक एक्टिविटीज कहा जाता है, ठीक है ना। दीज एक्टिविटीज आर प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स। स्पीड इज ओके नित्या, स्पीड। प्राइमरी एक्टिविटीज आर आल्सो नोन एज अ बेसिक एक्टिविटीज। क्लियर दिव्यांशी? व्हाई व्हाई वी कॉल दीज आर द बेसिक एक्टिविटीज? वेट, why we call primary activities are known as a basic activities? Yes, yeah, network problem to nahi ho koi chal rahi? My voice is clear or should I remove it? Clear? Yes, then yes, Divyanshi, why we call primary activities are basic activities? Yes, it produces a raw material, clear, and such raw materials it can't directly consume by consumers, it needs further processing, further processing, it provide as a base to economy. Other number of activities are based upon a primary activities, clear. So primary activities are directly associated with land and water resources, they are directly associated with land and water resources. Primary activities are directly associated with land and water resources. Land and hadi primary activities are the primary activities. Problem batao, solutions aa rahe hain, theek hai na? Lo hatai dete hain. Primary activities primary activities are the basic activities because other number of activities, they are dependent on a primary activities. Thank you. They are dependent on primary activities, dependent on primary activities. So primary activities are directly associated with the land and water resources. So any of activity which is directly associated with production, so production with relation to the land and water resources, example agriculture, agriculture, any other except agriculture, those, yes, domestic, what, household, dairy products, dairy products, they are dependent on animals. Sorry, but it has not directly linked with land and water resources. Haan ji, nursery, plantation, wo agriculture mein aa jayega. Plantations, furniture, carpenter, carpenter doing the work on a wood which has obtained from the forest, forestry will be the part of the primary activity. Carpenter is a secondary activity. Carpenter has used a raw material to manufacture a goods. Ab carpenter ne use kiya tab ye bench bana, उसने रॉ मटेरियल वुड को लिया, वुड को काट के रिफाइन करके बेंच बना दिया, दिस इज एज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। यस, माइनिंग, वेरी गुड। इन माइनिंग वी एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स बीनीथ द लेयर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, माइनिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स से हमें बहुत कुछ मिलता है, बट दे आर ग्रो इन अ ऑन अ लैंड विद रिलेशन टू द वाटर रिसोर्स। एनी अदर, एनी, सॉरी, hydro electricity production, in which hydro power stations we use our water to generate electricity. Humne raw material ko refine kiya, transform kiya dusri form mein, liquid form of water it has transformed into as the hydro power electricity. Ye secondary ke andar aaye. Any other, one more example, anybody offline? Unhone bhi wahi kaha, hydro electricity ko water se generate karte ho, raw material use kar rahe ho. Maine kaha those activities which are associated with the production of a raw materials. Sir, fishing. Fishing, very good. Fishing, agriculture, kyunki fishing oceans, water bodies mein ho raha hai,
ठीक है ना, हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, फिश को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता, उसमें से कॉड लीवर ऑयल निकाला जाता फिर उसको कंज्यूम, बहुत कुछ होता है, हंटिंग के बाद ही उसका तेल निकालोगे कि जिंदा मछली का ही तेल निकालोगे, ठीक है ना। मैंने कहा रॉ मटेरियल आ रहा है, फिश इज अ रॉ मटेरियल, दैट फिश यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर मटेरियल्स, माइनिंग के अंदर ही आएगा कोल, फिर तो आयरन भी आ जाएगा, फिर तो एल्यूमिनियम भी आ जाएगा, ऑयल भी आ जाएगा, ऐसे तो एक के अंदर बाइफरकेशन डाल रहे हो आप। माइनिंग इज अ दैट एक्टिविटी इन विच वी एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स बीनीथ द लेयर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ की सरफेस के अंदर में से जब आप मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, दिस इज अ माइनिंग। उसमें आप आयरन निकाल रहे हो, एल्यूमिनियम निकाल रहे हो, कॉपर निकाल रहे हो, गोल्ड निकाल रहे हो, सिल्वर निकाल रहे हो, इट्स अप टू यू, बट ऑल आर द मिनरल्स। चलें, इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। मशरूम की हंटिंग नहीं होती है, प्रोडक्शन होती है, मशरूम की प्रोडक्शन होती है, उसका सीड लगाया जाता है, प्लांट उसमें से काटा जाता है। अब ग्रेप्स मत कह देना। हाँ जी, वो एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड माइनिंग, दीज फोर एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड विद द प्राइमरी एक्टिविटीज। यस, आप कुछ कह रहे हैं? वो माइनिंग है, एक्सट्रैक्शन ऑफ अ सैंड इज अ माइनिंग, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अ माइनिंग ही नहीं है, ओनली एज अ बीनीथ द लेयर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, मटेरियल्स आर ऑलरेडी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, सरफेस के ऊपर से, सरफेस के अंदर से जब मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल मार्बल जो निकाला जा रहा है वो सरफेस से निकाला जा रहा है, ठीक है, वो भी माइनिंग का पार्ट है, ठीक है ना। माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड वंशिका, एग्रीकल्चर, फोर एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड विद द प्राइमरी एक्टिविटीज। Till there any doubts, primary activities are associated with land and water resource. Primary activities are known as a basic activities because their goods are used as a raw material in other activities. Clear? Primary activities, agriculture, forestry, mining, fishing. Clear? Primary activities produce as a raw materials. Ho jayega? Next, secondary activities. किसकी? मैंने मीनिंग बता दिया। देन फर्स्ट मीनिंग, प्राइमरी अंडरस्टैंड हो गया था, जो लैंड और वाटर से एसोसिएटेड है। देन सेकेंडरी एक्टिविटीज आर ऑल्सो नोन एज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज नोन एज अ बेसिक एक्टिविटीज, सेकेंडरी नोन एज अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। व्हाई? बिकॉज In these activities, we transform the raw material into the usable items, finished goods, जिसको आप consume कर सकते हो, ready-made garment is a finished good, उसको consumer use कर सकता है, bread is a finished good, which has based upon a raw material is what? wheat, yeast, milk, ठीक है ना, all these are used for a manufacturing of a bread or biscuit, तो biscuit क्या है? वो secondary sector की activity का product है, उसको आप consume कर सकते हो, पेन को कंज्यूम कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कंज्यूम का मतलब ये नहीं हर चीज खाना ही है, यूज कर सकते हो, ठीक है ना। सो एनी सब्सटेंस व्हिच इज रेडी टू कंज्यूम और यूज बाय द कंज्यूमर्स विद सॉरी डिपेंड अपॉन अ रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस इन अ प्राइमरी एक्टिविटीज आर नोन एज अ सेकेंडरी एक्टिविटीज। क्लियर? यस, आप कुछ कह रहे थे? वो सारे इसमें आएंगे। एनी अदर डाउट? हाँ जी, जहां आप रॉ मटेरियल से कोई नया सामान बना रहे हो वो सारा इसके अंदर आएगा। हाँ जी, वो सेकेंडरी है, ठीक है। अब एग्जांपल की अगर बात की जाए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज विच हैज यूज द प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट थ्रू द माइनिंग प्रोसेसेस। रॉ आयरन और जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है उसको डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता, उसकी इंप्योरिटीज को सेपरेट किया जाता है। आयरन और इज अ मिक्सचर ऑफ अ मेटल्स, मिनरल्स एंड अ रॉक्स, उसकी इंप्योरिटीज जो उसमें से मिक्स्ड मटेरियल है उसको सेपरेट किया जाता है, उसको स्मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द आयरन ओर हैज इंक्रीज टिल द 400 डिग्री सेल्सियस। उसमें क्या होता है, द आयरन कंटेंट इट हैज सेपरेटेड इन अ फॉर्म ऑफ अ पिग आयरन, मोल्टन फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। उस आयरन को आप किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो, और उस चीज को आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब उससे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, स्टील एंड
it is an example of, yes, Renuka. Steel is an example of, louder, mining. Steel is an example of mining. आपके घर में steel use होता होगा, steel के utensils होंगे kitchen के अंदर, हाँ, आपकी watch में लगा होगा, आपकी pen की tip के ऊपर लगा होगा, आपके keychain के ring में लगा हुआ है. No, no, मैंने ये नहीं कहा. Tertiary is an example of, sorry, steel is an example of, steel is an example of alloy. Very good, alloy. What it means alloy, Divyanshi? Mixture of metals, mixture of two or more than two metals. So the steel has manufactured with the combination of iron and tin. Chromium bhi mix kiya jata hai, jisse wo hardening hoti hai. So that is as a, such kind of a metal is a more stronger comparatively the iron. Iron se jyada strong hota hai, alloy. Abul. हाँ, गोल्ड सिल्वर जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वो प्राइमरी के अंदर आ गए. गोल्ड से जो ऑर्नामेंट्स बन गए हैं, गहने बन गए हैं, वो सारे सेकेंडरी के अंदर. ज्वेलर जो काम कर रहा है वो सेकेंडरी का पार्ट, ठीक है ना. कारपेंटर जो कर रहा है वो सेकेंडरी का पार्ट है, बिकॉज इट यूज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर गुड्स है. वो उससे क्या इनकम जनरेट हो रही है, इससे वो एक्टिविटीज को कैटेगराइज किया. हाँ जी, पेट्रोल, या मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट गलती आपकी ठीक करना चाहता हूँ. व्हेन अ माइनिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल इज अकर, इट इज जनरली एक्सट्रैक्ट इन अ फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चा तेल कहा जाता है. वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड मार्केट में कच्चा तेल ही बिकता है, ठीक है ना. उसको आप यूज नहीं कर सकते व्हीकल्स के अंदर. द इम्प्योरिटीज ऑफ अ क्रूड ऑयल सेपरेटेड इन ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरी जहां पर उसकी इम्प्योरिटीज डीजल पेट्रोल को सेपरेट किया जाता है, उस प्लेस को, वो सेकेंडरी सेक्टर है, वो इंडस्ट्री है. क्यों? क्योंकि वहां रॉ क्रूड ऑयल को यूज करके वहां से पेट्रोल, डीजल या गैस को अलग अलग एरिया से भेजा जा रहा है, सेपरेट करके, ठीक है ना. प्रोडक्ट क्या है? पेट्रोल क्या है? प्रोडक्ट है. क्रूड ऑयल प्राइमरी प्रोडक्ट है. एनी अदर, किसी और का कोई डाउट? ऑनलाइन ऑफलाइन एनीबडी, किसी का कोई डाउट? सेकेंडरी एक्टिविटीज बेस्ड ऑन अ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटीज प्रोड्यूस रॉ सच मटेरियल विच कांट यूज और कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स, but secondary goods it can consume by consumers. Both are interdependent. Now it may be as asked you by the examiner, why we call the primary and secondary are the interdependent. Ye independent nahi hai, they are interdependent. Without the existence of a one other it can't survive. Kaise? Raw material nahi hai, primary activities nahi hai, raw material nahi hai to saman kya banana, theek hai na. Cotton nahi hai to cloth kahan se banega. Iron nahi hai to steel industries, iron and steel industries kaam kaise banegi, utensils कैसे बनेंगे? Not possible. Crude oil नहीं है तो petrol कहां से आएगा? Dependent. Secondary activities are dependent on a primary activities. अब इसका opposite. Primary activities they are also dependent on a secondary activities. Raw material produced in a primary activity, अगर उसको consume नहीं किया, उसे कोई usable item नहीं बनी, usable item, फिर primary sector की primary activities की existence नहीं रही. हमारे पास wheat abundance में है, ठीक है. अब wheat को सीधा तो खा नहीं सकते, उसके लिए फ्लोर मिल में जाना पड़ेगा, ग्राइंड होगा, ठीक है ना. व्हीट फ्लोर बनेगा, इट विल बी यूज इन अ बेकरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ बिस्किट और ब्रेड, या फिर सारी व्हीट खा के जिंदा ले लेंगे, पॉसिबल ही नहीं, ठीक है ना. नीड्स एज अ रिफाइनमेंट, ये रिफाइनमेंट प्रोसेसिंग क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ रॉ मटेरियल इनटू द यूजेबल आइटम. सो सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी सेक्टर. फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर्ड इन सेकेंडरी सेक्टर. मशीनरी जो कंबाइंस हो रही हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वो इंडस्ट्री में बन रहे हैं, ठीक है ना. आयरन जो प्राइमरी सेक्टर माइनिंग से एक्सट्रैक्ट किया, उसको सेकेंडरी में यूज किया ट्रैक्टर बनाने के लिए, उस ट्रैक्टर को, प्लोशेयर को यूज किया जा रहा है प्राइमरी सेक्टर में इंक्रीज प्रोडक्शन. तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ वन द अदर कांट एग्जिस्ट, ठीक है ना. तो दोनों इंटरडिपेंडेंट है. टिल देयर एनी डाउट्स? ऑफलाइन ऑनलाइन, यहां तक किसको कोई डाउट? स्पीड इज ओके, जा तो नहीं, यस एनीबडी? सर आपकी वॉइस अचानक बंद हो गई है.
Sir, your voice is not audible. Sir, your voice is not coming. It was coming before. वेजिटेबल्स लेकर फिर घर आएगी, ठीक है ना, टाइम कंज्यूमिंग है। अपने टाइम को बचाने के लिए वी आर हायरिंग द सर्विसेज। यस, हाँ, डॉक्टर सर्विस है, लॉयर्स दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, बिजनेसमैन दे आर ऑल्सो प्रोवाइड द सर्विस, बट सच बिजनेसमैन विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जिसकी अपनी इंडस्ट्री है, वो कुछ सामान बना रहा, नट बोल्ट व्हीकल बना रहा, इट हैज मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, वो सेकेंडरी में आ जाएगा। आप कुछ कह रही थी, हाँ जी, टॉयस लॉयर सर्विस के अंदर आएगा। सर सर्विस दे रहे हैं, वो आपका केस लड़ रहे हैं, उसके लिए कुछ चार्ज कर रहे हैं, या फिर वो आपको कुछ बना के दे रहे हैं। लॉयर कुछ बना के थोड़ी ना दे रहा, हाँ जी, मैंने लाने का बात, मैंने कहा सर्विस दे रहे हैं, डॉक्टर कुछ ला थोड़ी ना रहा है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दो मेडिसिन लिखता है और आपसे 1000 ले लेता है, वो सर्विस दे रहा है आपको, ठीक है ना, हाँ जी, वो सर्विस के अंदर एंटरटेनमेंट सर्विस, टूरिज्म इज अ पार्ट, आते हैं वहां पर, टाइप्स ऑफ सर्विसेज में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। टेल देर एनी डाउट्स, टर्शियरी सेक्टर इज अ सर्विस सेक्टर, देर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ सर्विसेज आर देयर, टू काइंड्स ऑफ द सर्विसेज आर देयर, हाँ जी, क्या बॉलीवुड, वो उन्होंने एक्टर कहा, वो एंटरटेनमेंट के अंदर है, ठीक है, आपको एंटरटेन कर रहे हैं, उसके लिए वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आपका बस एंटरटेनमेंट हो रहा है, टूरिज्म है। आता हूं अभी, टाइप्स ऑफ द सर्विसेज आर टू, बेसिक सर्विसेज एसोसिएटेड विद द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स से एसोसिएटेड जो सर्विसेज है, कौन सी, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइडिंग यू द वाटर अवेलेबिलिटी। आप दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, इन सिटीज में चले जाओ जहां वाटर स्कैसिटी है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, वीक के अंदर तीन या चार बार ऐसा, थ्राइस और फोर टाइम्स इन अ वीक दे आर प्रोवाइडिंग द वाटर टू द टैंकर फैसिलिटी। टैंकर्स आते हैं, दो बकेट वाटर हर फैमिली को दे दिया जाता है, ठीक है ना, बाकी फैमिली की नीड्स के लिए वहाँ हार्ड वाटर होता है, विच कांट बी एज कंज्यूम बाय द ह्यूमंस, हार्ड में सेलाइन फॉर्म में होता है थोड़ा, उसको आप ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, उससे डिहाइड्रेशन हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, ड्रिंकिंग के लिए वो सेपरेट वाटर थ्रू टैंकर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, कभी दिल्ली जाओ, रहना पड़े तो वहां देख लेना, बॉम्बे में देख लेना, टैंकर फैसिलिटी, कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड वाटर, बिकॉज इट्स बेसिक फॉर देयर सर्वाइवल, हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर,
and sanitation. Sanitation, these are the basic services provided to all the individuals in country. Nitya, kuch keh rahe the? Kuch keh rahe the? Second are the infrastructural services. Infrastructural services. Infrastructural services. So, ये क्या होती हैं अब? Infrastructural such services which are required for the economic growth. Economic development of a country is based upon infrastructural services. सारी services government ही देती है, basic भी देती है, infrastructural भी. अभी economic development कैसे? किसी area में industry क्यों लगाई जाती है? वहाँ well developed means of transportation होने चाहिए. ठीक है ना, नहीं तो रिमोट एरियाज बहुत है. राजस्थान में चले जाओ आप, रन ऑफ कच्छ में चले जाओ, गुजरात में, वहां नहीं जाना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चले जाओ, विच आर एज कंसिडर रिमोट एरिया, जहां पहुंचना मुश्किल है. ठीक है, उन एरियाज में भी इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, बट इंडस्ट्रीज दे ट्राई टू इन्वेस्ट देयर रिसोर्सेज इन सच एरियाज वेयर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. कल लिबरलाइजेशन किया था, सुना होगा आपने लिबरलाइजेशन इन यस्टरडेज क्लास. सुना था कल की क्लास में? आपने क्लास क्यों नहीं लगाई कल? आपने कल क्यों नहीं लगाई? फिर आंसर, लिबरलाइजेशन सुना था? ये ऐसे कैसे हो सकता है, क्लास लगाई और लिबरल. वंशिका यस सुना था लिबरलाइजेशन. यस दिव्यांशी, देन यू, नेक्स्ट नित्या एंड रेणुका सिंह. रेणुका सिंह लेक्चर चढ़ा था, लेक्चर भी नहीं देखा. मैंने कहा लिबरलाइजेशन के बारे में सुना है, नहीं सुना है. आपने 14, 13, 12 को क्या किया? नो प्रॉब्लम. कल का क्यों नहीं देखा? लेक्चर भी नहीं देखा, आज देखेंगे जाकर. लिबरलाइजेशन मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिबरलाइज देयर पॉलिसीज, अपनी पॉलिसीज में चेंजेस किए. बिफोर ऑफ 1990s गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट रेस्ट्रिक्टेड फॉरनर्स टू इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया. ये अगर कोई फॉरनर है, आदित्य धीमान बाहर से बिलोंग करते हैं, कैनेडियन है, अमेरिकन है, इट कांट इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया. क्यों नहीं कर सकता? कारण टू प्रमोट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स. अगर फॉरनर्स को अलाउ कर दिया जाता तो ब्रिटिश एज में जो हुआ, जो रॉ मटेरियल की डेफिशिएंसी हुई, उससे क्या हुआ, जो लोकल इंडस्ट्रीज दे रुइन, दे स्टॉप देयर प्रोडक्शन. अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन कहां से होगी? ठीक है ना, इसे गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी टिल 1990s. In 1991, Government of India liberalized their policies. It opted a way of liberalization. उसमें क्या किया उन्होंने? कुछ relaxations दे दी foreigners को. अगर foreign से पैसा invest करते हो, बाहर से पैसा आता है, उसको financial support दी जाएगी through banks. Banks उन्हें loan provide करवाएंगी country के अंदर. ठीक है ना, बाहर से नहीं, country के अंदर ही. Country के अंदर ही उन्हें trade transport के लिए facilities provide की जाएगी free of cost. Well developed network of roads it will provide it to the such entrepreneurs which will set up their production sites in India. Uska impact kya padega? Jobs generate hongi. Agar industry lagegi to jobs banegi. Jobs milengi to logon ki per capita income improve hogi. Logon ki needs puri hongi. Jo workforce aaj India ko chhodke bahar ja rahi hai, 10th ke baad ja rahi hai, plus 2 ke baad ja rahi hai, theek hai, wo at least yahan par rukegi to sahi. Agar rukegi to kuch produce karegi. Jab goods ki production ho rahi, theek hai, उसका इंपैक्ट ये होगा, या तो गुड्स एक्सपोर्ट की जाएंगी, या फिर जो हम आज इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया प्रेजेंटली क्या है, फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट है, हम उसको इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं. वी आर इंपोर्टिंग ना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मशीन मेड मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल गुड्स. हमारे यहाँ डेफिशिएंसी है, इंडस्ट्रीज की डेफिशिएंसी है, उन चीजों को यहीं पर प्रोड्यूस करेंगे. अगर उस चीज को यहाँ प्रोड्यूस करेंगे, देन द नंबर ऑफ इंपोर्ट्स विल रिड्यूस. जो डॉलर्स आप स्पेंड कर रहे हो, गोल्ड को स्पेंड कर रहे हो, उन प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए जापान से, अमेरिका, चाइना से, इट विल बी एज अ सेव. उस पैसे को कहीं कंस्ट्रक्टिव वे में यूज किया जा सकता है. ठीक है ना, ये उसका इंपैक्ट होगा. अब बोलो, मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मशीन मेड गुड्स, जो व्हीकल्स की बात की जाती है, इंडिया में जो लोकल प्रोड्यूसर है ऐसा मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति सुजुकी, ठीक है, वो उसी में से है. उसके अलावा जो बाकी है वो सारे फॉरेन ब्रांड्स हैं, होंडे है उसमें अंदर, फोर्ड है, ठीक है, ये सारे वॉक्सवैगन है, ये लार्जेस्ट व्हीकल प्रोड्यूसिंग कंपनी है वर्ल्ड की. तो ऐसी फॉरनर है, बाहर से सामान इंडिया आ रहा है, जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी, बेटर होंगी, देन दे सच एक्सपोर्ट्स इट विल बी अकर फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स अदर कंट्रीज. अर्निंग्स बढ़ेंगी, जो पैसा आज खर्च कर रहे हो वो सेव होगा,
और उससे और ज्यादा इनकम जनरेट होगी, इंडिया की पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होगी। किसके ऊपर? उसके ऊपर एक्साइज देना पड़ता है, टैक्स तो मिलता है, और वो टैक्स से कंपैरेटिवली हमारा स्पेंड भी तो हो रहा है। आप लिमोजिन परचेस कर रहे हो 60-70 लाख की, अगर वैसा व्हीकल इंडिया में बनेगा उतनी मनी कंट्री के अंदर चैनलाइज होगी,